और बात करेंगे अगली खबर की, जहां पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ गई है। वहीं बीजेपी की विधानसभा में जाकर सभी वर्गों के लोगों से घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए सुझाव ले रही है। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल आज सरायपाली पहुंचे। इस दौरान अमर अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी ने 32 सदस्यों की घोषणा पत्र समिति बनाई है, जो कि सभी विधानसभा में जाकर हर समाज हर वर्ग के लोगों से मिल रही है और उनके सुझाव ले रही है। इस दौरान समाज के जो भी सुझाव हमें मिले हैं उन्हें हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। सर, आज आप सरायपाली आए हैं, आने का प्रयोजन बताएं। भारतीय जनता पार्टी ने एक घोषणा पत्र समिति बनाई, 32 सदस्य ये कमेटी है और उसमें एक संयोजक हमारे ग्रुप के सांसद विजय बघेल जी, 3 सहसंयोजक उसमें से एक मैं हूँ शिवरतन शर्मा जी, राम विचार नेता। हमने तय किया है कि हम 90 विधानसभा में पहुँचेंगे और उस 90 विधानसभा में व्यक्तिगत पहुँचेंगे, समाज का कोई वर्ग न छूटे, उनसे हम मिलेंगे, सुझाव लेंगे और उसके जन भावनाओं के अनुरूप जो हम कर सकें। भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जनता की भावनाओं के अनुरूप उसका घोषणा पत्र बनेगा, इसलिए जनता की जो जो समस्या है, उनकी जो जो अपेक्षा है, हर वर्ग से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों का समावेश अपने घोषणा पत्र में करेगी और शामिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है उसको पूर्ण करने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी लेगी और जो समस्याएं इस कांग्रेस शासन में है उसको दूर करने का प्रयास घोषणा पत्र के माध्यम से किया जाएगा। सर, भाजपा के 15 साल और कांग्रेस के 4.5 साल, क्या अंतर देखते हैं आप?